नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों आज मैं ढेर सारी कटिंग्स लाई हूँ कनेर की। ये गाड़ी रुकी हुई थी ट्रैफिक में, तो डिवाइडर पे कनेर के, बोगनवेलिया के सब प्लांट खूब लगे रहते हैं, तो उसी से मैंने तोड़ा हुआ है। तो ये देखिए बड़ी ब्रांच निकल आई, ये डार्क पिंक कलर की कनेर है, मेरे पास लाइट पिंक कलर का कनेर था तो इसलिए मैं ले आई हूँ। तो इसको मैं लगाऊंगी और इसमें तीन कटिंग आराम से निकल आएगी। तो पहले सारी पत्तियां हटा के मैं अपने लिए इसमें देखती हूँ कि कितनी कटिंग लगा सकती हूँ। तो कोई भी कटिंग लगाने से पहले उसकी पत्तियां हटा देनी चाहिए, क्योंकि कटिंग को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है अगर उसके साथ पत्तियां और फूल हो, तो उसे उसके लिए भी ताकत चाहिए। तो पहले तो कटिंग का लगना ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए सारी पत्तियाँ और फूल हटा दीजिए। तो जब आप अनप्लांट कटिंग लेने जाते हैं बिना किसी सीज़र या कैंची के या बिना चाकू के, तो ये देखिए ऐसी डैमेज कटिंग आती है जिसमें स्किन नहीं है। तो जितनी भी कटिंग डैमेज है वो मैं हटा दूँगी और साफ सही कटिंग रख लूँगी। और ये दोस्तों ऑरेंज कलर का कनेर था, तो इसका वैसे मुझे कम चांसेस लग रहे हैं लगने का, क्योंकि ये बहुत मुलायम कटिंग है, बहुत सॉफ्ट कटिंग है और ग्रीनिश लुक वाली, इसलिए इसका लगना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर कोशिश करती हूँ शायद लग जाए। तो इसमें भी यही करूँगी, पहले सारी पत्तियाँ हटाऊँगी और फूल हटाऊँगी। तो दोस्तों जिस भी मिट्टी में आप कटिंग लगाएं, पहले तो कोशिश करिए कि कोकोपीट में कटिंग लगाएं। अगर कोकोपीट आपके पास नहीं है तो आप 50% गार्डन सॉइल रखिए और 50% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट। अगर गार्डन सॉइल आपकी बलुई नहीं है तो उसमें आप 30% बालू और 20% गार्डन सॉइल रखिए, और अगर आपकी बालू वाली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, तो फिर 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट रखिए। और जब भी कटिंग लगाइए उसे 10 से 15 मिनट पहले मिट्टी अच्छे से भीगी होनी चाहिए, मिट्टी में पानी डाल दीजिए गमले में, और गमला वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी रुके ना गमले में या प्लांटर में। तो मैं तो छोटे छोटे प्लांटर बॉटल वाले रखती हूँ कटिंग्स के लिए, तो अच्छे से ड्रेनेज होल बनाकर तब आप लगाइए। और ये जो ब्रांच है दोस्तों, ये कटिंग मैं लाई हूँ वाइट कलर के कनेर की, बहुत प्यारे लग रहे थे वाइट कलर के फूल कनेर के। तो वो इसके भी कटिंग मोटी है तो ये भी लग जाएगा। अब ये अलग बात है कि पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाइट कनेर है और कौन सा पिंक कनेर है, जब लग जाएंगी फ्लावर्स आ जाएंगे तभी पता चलेगा। तो तब तक मैं रखूँगी इसको, ये देखिए। तो जितनी भी डैमेज कटिंग हो उतना हटा के, और जो हेल्दी कटिंग हो वही लगाना चाहिए, और कम से कम 5 नोट होने चाहिए आपकी कटिंग में, ताकि 1 से 2 नोट आप मिट्टी के अंदर रखिए। नोट मतलब वो एरिया जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, वहीं से जड़ें भी निकलती हैं और वहीं से नए शूट्स या नए ब्रांच भी निकलती हैं। तो दोस्तों आपकी बार आप कनेर की कटिंग ज़रूर लगाइएगा, बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप कहीं गए हैं 4-5 दिन इसको नहीं भी मिलता है पानी, तब इसकी पत्तियां सब लटक तो जाएंगी पर ये पेड़ जल्दी मरता नहीं है। तो आप इस तरीके की कटिंग कोशिश करिए लगाइए, क्योंकि ये आपको सड़कों पर, पार्क में या घरों के आसपास मिल जाते हैं प्लांट लगे हुए। तो कनेर की कटिंग ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।